दीदी का परिचय रख देती हूँ। दीदी गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल कटनी मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। दीदी ने पहला वर्कशॉप जो किया था UHV 1 का, वो अप्रैल 23 में किया, और दीदी वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग को ज्वाइन कर रही हैं। दीदी 9th और 10th की जो हर सैटरडे को क्लास एक्टिविटीज होती हैं उनमें वॉलंटियर करते हैं। तो मैं अभी दीदी से निवेदन करूंगी कि दीदी अपनी शेयरिंग को रखें। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। जी जैसा कि दीदी। दीदी ने बताया, मैं परवीन खान, उच्च माध्यमिक शिक्षक, एक्सेलेंस स्कूल कटनी, डिस्ट्रिक्ट कटनी और डिवीजन जबलपुर, एमपी से हूँ। हिंदी में मैंने पीएचडी की है और मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं। मेरे दो बेटे हैं, एक 18 साल का और एक 11 साल का। और मेरी मम्मी पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे। भाई बहनों से मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए उन पर थोड़ा शासन भी किया है। इस बात का मुझे बाद में बहुत गिल्ट फील होता है कि उनको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रखती थी, क्योंकि मम्मी कई बार घर में होती नहीं थी। और ससुराल में मैं सबसे छोटी हूँ, तो कुल मिला के दोनों जगह ही बढ़िया स्थिति थी मेरी। और बचपन से ही लोग मुझे शांत और समझदार कहते थे। अंतर्मुखी रही हूँ और मेरी वैचारिक क्षमता जो है वो बचपन से ही सक्रिय रही है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तभी से विचार मंथन करती रहती थी कि आत्मा, रूह या जान जिसे कहते हैं, वो क्या है जिसके निकल जाने से शरीर मृत हो जाता है, ईश्वर क्या है। और सभी धर्मों में ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो क्या ईश्वर अलग अलग हैं या एक हैं। इस तरह के और भी प्रश्नों के उत्तर मैं स्वयं में तर्क वितर्क करते हुए सोचती रहती थी। इसी प्रयास में मैंने विभिन्न धर्मों की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, और जिसमें मुझे एक ही जैसी बातें और एक ही जैसे मूल्य दिखाई दिए। मुझे बहुत पहले ही ये समझ आ गया था कि हम लोग अपने अपने धर्मों की बहुत ही संकुचित अर्थ में देखते और समझते हैं, जबकि सभी धर्म अपने अपने देश काल मतलब स्थान, समय, वातावरण और भौगोलिक स्थिति के अनुसार जीवन को बेहतर तरीके से जीने की वृहद जीवन शैलियां हैं, जिनका एक छोटा सा हिस्सा है आराधना का तरीका। इन आराधना विधियों को ही शायद हम धर्म मान बैठते हैं, और इन्हीं कुछ अंतरों को लेकर ही लोगों के बीच में अलगाव होता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि मानवीय मूल्यों का ह्रास हो जाता है। पहले ही मेरी समझ बनी कि मानवीय मूल्यों को अपने विचारों में, आचरण में, व्यवहार में उतारना ही सच्चा मानव धर्म है, ना कि किन्हीं अंतरों में उलझकर विरोध और वैमनस्य के भाव से भर जाना। हम लोग कुछ अंतरों पर ही ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। एक बात और, इस तरह के विचार स्वयं में चलते रहते और फिर इन्हीं विचारों को सबलता देने वाले कई दोस्त भी बने जो अभी भी साथ हैं। और मैंने एमए किया और तुरंत ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। जब मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं समाज सेवा जैसा कुछ काम करना चाहती थी, पर मम्मी पापा के सामने मेरी चली नहीं। उन्होंने कहा, तुम भाई बहनों में सबसे बड़ी हो, तुम नहीं करोगी तो लोग सवाल करेंगे, समाज पूछेगा कैसे क्या, और फिर बहुत सारे वो भी लगाते हैं, लांछन भी लगाते हैं, या उनका जो मन आता है वो कह देते हैं। तो चलिए, मैंने शादी बड़े मेमन से कर तो ली, ये सोचा कि जल्दी ही छोड़ दूंगी। मुझे ये मेरी नादानी थी, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ससुराल वालों की आत्मीयता, विश्वास और प्रेम ने मुझे बांध लिया। मेरे पति बहुत सरल और सुलझे हुए समझदार हैं। UHV से परिचय के बारे में अगर मैं कहूँ, तो मेरा जो सोचना विचारना चल रहा था वो लगातार चलता ही रहा, बचपन से लेकर अभी तक चलता ही रहा। और मेरा परिचय जो UHV से हुआ वो 24 अप्रैल को 2023 को हुआ, पूरा हो जाएगा, मतलब कल पूरे 1 साल हो जाएंगे UHV से परिचय के। तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आया कि जिले के सभी CM राइज स्कूल एवं
जिला मुख्यालय कटनी का जो अपने उत्कृष्ट विद्यालय है एक्सेलेंस स्कूल है, उनके दो दो टीचर्स को भोपाल जाकर यूएचवी के वर्कशॉप अटेंड करनी है। यूएचवी के नाम से मुझे होने लगा कि कुछ अच्छा खास होने वाला है। वर्कशॉप किया तो आनंद आ गया, लगा जीवन का मकसद मिल गया। वो सारी बातें जो चिंतन मनन में वर्षों से चल रही थी वो प्रामाणिकता पा गई। और 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिन पर मैं विचार किया करती थी और किसी ने मतलब तथ्य में पहुंचती थी तो वो भी क्लियर हो गए। ज्ञान का इतना व्यवस्थित विस्तृत रूप मिल जाना मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा। मेरे विचारों की लंबी यात्रा को शब्द और शब्दों की सटीक व्याख्या मिल गई। ये कल्पनाशीलता जो शब्द हैं या और भी जितने भी इसमें शब्द हैं वो इतने अच्छे से समझ में आ गए। और EHV के वर्कशॉप हम लोगों ने जो अटेंड किए तो वर्कशॉप जितने टीचर्स ने भी अटेंड की थी उनकी वीकली मीटिंग होती थी फ्राइडे को, तो उसी में मॉर्निंग सेशन का पता चला कि मॉर्निंग सेशन भी होता है। तो मैंने 9th बैच से ज्वाइन किया, 1 जनवरी से मैंने ज्वाइन करना शुरू किया और जो कि मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा क्योंकि बुद्धि के स्तर पर तो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना, विचार करना, बातें करना, ये तो एक बात है, किंतु इसे प्रस्ताव के रूप में लेकर जांच परख करना स्वयं में और जीने में व्यवहार में लाना ये बहुत अलग है और बहुत कठिन भी है। जब अभ्यास एक प्रारंभ हुआ तो समझ में आया कि एक शेर है ना, दूसरों से बहुत आसान है मिलना शाकी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। तब समझ में आया इस शेर का मतलब कि कितने गहराई से कितनी गहरी बात किसी शायर ने इस शेर में कही है। और स्वयं के द्वारा स्वयं की कल्पनाशीलता को देखना, दृष्टा भाव से देखने का काम पहले कभी कभी ही करती थी, पर अभ्यास एक में इसे प्रतिक्षण देखने की बात आई तो ये मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया। बहुत कठिन हो गया मेरे लिए कि मैं हर क्षण अपनी कल्पनाशीलता को देखते रहूं, बार बार ध्यान हट जाता और मेरे इच्छा विचार आशा में बहुत कुछ चलने लगता चलता और क्या चल रहा है मैं अपना बस सिर्फ सोचते जाती और मेरे लगातार मेरे इच्छा विचार विचारों में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और फिर जब ध्यान आ जाता तो फिर मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखने लगती और जाने कब ध्यान हट जाता पता ही नहीं चलता है। कोशिश कर रही हूँ कि प्रतिक्षण अपनी कल्पनाशीलता को देख पाऊँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी बाहरी प्रभाव से भी प्रभावित हो जाती हूँ। इसका भी अभ्यास कर रही हूँ कि मैं हर क्षण अपने स्वभाव में रहूं और मैं देख पा रही हूँ कि जिन लोगों को मैं वैचारिक रूप से अपने से पीछे पाती थी या देखती थी वे भी मुझसे कहीं ज्यादा स्वभाव में रहते हैं और प्रभाव में कम आते हैं। इस बात में वो मुझसे आगे हैं क्योंकि कई बार ऐसा लगता था कि इनमें वो मतलब ये बहुत सारी चीजें ये देख सुन और विचार नहीं कर पाते हैं, तो अब पता चला कि वो तो मुझसे भी कहीं आगे हैं किसी और चीज में। यूएचपी के बाद मैंने पूर्वाग्रह और मान्यता से ग्रसित होना कम कर दिया, छोड़ना चाहती हूँ, छोड़ ही दूंगी लेकिन कम कर दिया है। यहाँ अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए अगर कबीरदास जी का एक कथन मुझे बहुत सटीक लगता है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, ज्यों मन को ज्यों आप ना मुझसे बुरा न कोई। ये मुझे अपने ऊपर बिल्कुल सच कहूं तो यही मेरे साथ घट रहा है क्योंकि स्वयं की बौद्धिकता संवेदनशीलता और कर्मठता का घर तो नहीं था लेकिन एक एहसास था और वो डावाडोल हो रहा है क्योंकि उन सभी एहसासों भावों या मान्यताओं की जब मैं स्वयं में जांच परख कर रही हूँ तो पा रही हूँ कि प्रतिक्षण मैं उनके लिए अवेयर नहीं हूँ, जागरूक नहीं हूँ। प्रतिक्षण गुस्सा आ जाता है तो कड़वा भी बोल देती हूँ और
संवेदनावश कभी कभी आज का काम कल पर भी टाल देती हूँ, कि थक गई हूँ या नींद आ रही है। देख रही हूँ कि संवेदनाएं मुझे बहुत ही प्रभावित करती हैं। मेरे स्वयं का जीना कितना बिगड़ा हुआ है ये देख पा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ सुधारने की। मतलब बहुत अपने आप में ही जो बेसिक चीजें हैं वो मेरी मेरा जो जीना है वो UHV के हिसाब से, मतलब मेरे अंदर का जीना नहीं हो पा रहा। बाहरी व्यवहार तो मेरा अच्छा ही रहा है शुरू से। और एक बात और है कि बाहरी व्यवहार जो समाज के लोग हैं, घर से बाहर के लोग हैं, उनसे ज्यादा अच्छा रहा है, और घर के लोगों को उनके साथ उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनके साथ कभी उनके लिए मन में विरोध का भाव भी आ जाता है, उन्हें कभी कड़वा भी बोल देती हूँ। हाँ, अगला है कि इतना जरूर है मैं अपने दुख सुख के लिए 100% स्वयं को जिम्मेदार मानती हूँ, ये तो मुझे है। और UHV की सेशन अटेंड करने के बाद तो मैं बिल्कुल अपने को 100% ही जवाबदार मानती हूँ, जिम्मेदार मानती हूँ कि हाँ ये मेरा जो भी दुख है सुख है वो मेरा अपना ही है। मैं किसी से भी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखती थी, तो मुझसे शिकायत का भाव भी कम रहता था मुझ में, या कभी आता भी है तो थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन उसे भी मैं बाद में भूल जाती हूँ। स्वयं में सही समझ और सही भाव रखने का प्रयास मेरा चल रहा है। पहले विरोध का भाव अधिक आता था, अब समझती हूँ कि सामने वाला भी अपनी क्षमता से ही तो व्यवहार कर रहा है। तो संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को मैं स्पष्ट रूप से देख समझ पा रही हूँ, तो अपना सारा व्यवहार और सारा प्रयास जो है इस ओर लगा रही हूँ। अभ्यास 2 में मैं स्वयं और शरीर को दो अलग अलग वास्तविकताओं के रूप में देख पाती हूँ। हाँ, ये तो मैं देख पाती हूँ। मैं अब बहुत जगह पर जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होती हूँ, पर कई बार न चाहते हुए भी संवेदना या बाह्य प्रभावों से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया भी दे देती हूँ। वैसे ये अधिकांशतः घर में या अपने अपने लोगों के बीच ही करती हूँ, जैसे बार बार कहने पर बात बच्चे नहीं सुनते, पढ़ने के लिए नहीं बैठते, मोबाइल देख रहे होते हैं, तब उन्हें डांट देती हूँ जोर से, या मुझे लेट हो रहा है और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तब तब भी मैं चिल्ला देती हूँ। इसे भी ठीक करने का प्रयास कर रही हूँ। शून्य में संपृक्त होने को मैं देख पाती हूँ, मैं देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ कि सभी तत्व शून्य में संपृक्त हैं, पर इसे और गहराई से अनुभव करने का प्रयास मेरा चल रहा है। और मॉर्निंग सेशन से जो एक बहुत ही अच्छी बात मुझे समझ आई या पकड़ में आई वो ये कि सुख स्वभाव है, प्रभाव नहीं। पहले मैं सुख शायद बाहरी जो प्रभाव होता था, एक्साइटमेंट होते थे, उसको मैं सुख समझती थी, तो ये मुझे बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत ही नायाब चीज है कि सुख स्वभाव है, प्रभाव नहीं, मैं समझ पाई। और इससे पहले मैं प्रभाव को ही सुख मानती थी, इस पर मेरी अच्छी समझ बन गई है। इसकी मैंने अपने में जांच परख भी की कि जैसे मेरा मेरे बड़े बेटे का UCL एग्जाम में टॉप सिलेक्शन हुआ, और उस एग्जाम में टॉप 200 को IIT में एडमिशन मिलता है। अभी मार्च में रिजल्ट आया, उसकी रैंक 160 थी। उसने मुझे बताया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने तुरंत ही शुक्राने की नमाज पढ़ी, पर मैं संतुलित थी, ज्यादा लोगों से बताया नहीं और मेरा व्यवहार भी संतुलित था, और जिन्हें अच्छा लगता सुनकर खुशी होती उन्हें ही बताया, और इससे मन में कृतज्ञता का भाव हर वक्त रहने लगा। सिर्फ रिजल्ट के कारण ही नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए और इस तरफ और ज्यादा ध्यान गया मेरा। जान लिया है कि सुख स्वभाव है, तो अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ में अब बहुत कम काम होता है, पर कुछ होता है, जैसे कपड़ों पर तैयार होने पर ध्यान रहता है,
सोचती हूँ जैसे जैसे परिमार्जन होता जाएगा, स्वतः प्रभाव का मोह जो है वो छूटता जाएगा। मेरे सुख का स्रोत अब मान्यताएं एवं संवेदना से हटकर स्वयं की आंतरिक संगीत व्यवस्था से जुड़ गया है, सहज स्वीकार्यता से जुड़ गया है। और कमिटमेंट की बात करें तो स्वयं में समझ के लिए वैसे तो मैं पूरे दिन ही अवेयर रहना चाहती हूँ, पर फिर भी 1 से 2 घंटे तो देना है मुझे। समाज में मेरी भागीदारी अभी तो ये है कि मैं अपने स्कूल में 9th और 10th के बच्चों की बहुत अच्छे से क्लास ले रही हूँ, UHV क्लास ले रही हूँ। पहले मुझे लगा था कि ये बच्चे पता नहीं इन बातों को समझ पाएंगे या नहीं, पर दूसरी या तीसरी क्लास जैसे ही मैंने ली तो मुझे पता चल गया कि ये बच्चे से बहुत ही गंभीरता से समझते हैं और व्यवहार में लाने की कोशिश भी करते हैं। मुझे उनके फेस रीडिंग से मुझे समझ में आया कि वो इसके बारे में और जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उनके आपसी संबंधों पर और कक्षा के व्यवहार में भी बहुत फर्क आया, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मैंने देखा वो किस तरीके से सोचने समझने और एक दूसरे से बात करने का जो उनका तरीका है वो बदल गया है, और कभी कभी तो एक दूसरे को याद भी दिलाते हैं UHV क्लास की। और वो मुझसे कहते हैं कि मैडम रोज UHV की क्लास लिया करिए। बच्चे कहते हैं मैडम जब आप क्लास लेती हैं तो हम लोग 2-3 दिन तक सुधरे रहते हैं पर फिर भूल जाते हैं, रोज होगी तो हम लोग नहीं भूलेंगे। और शायद बच्चे सच ही कहते हैं क्योंकि मैंने भी जब से मॉर्निंग सेशन अटेंड करना शुरू किया है तब से ज्यादा गति आई है। वो हर वक्त दिमाग में बनी रहती हैं चीजें बातें। मैं बच्चों को लेके बहुत ही आशान्वित हूँ कि ये 9th और 10th के जो बच्चे हैं यदि UHV क्लास उन्हें पूरी जिम्मेदारी से मिलती रहेगी तो वे बहुत अच्छे इंसान बन सकेंगे, जिससे समाज में विश्वास, न्याय, अभय, समृद्धि स्वयं उनके जीवन में भी सुनिश्चित हो सकेगी और प्रकृति में परस्पर पूरकता के भाव से सह अस्तित्व भी हो पाएगा समाज में। तो बच्चों को UHV से परिचित करा रही हूँ, अभी तो यही भागीदारी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। तो मैंने देखा कि जब 10th के या 9th के जो बच्चे हैं वो ऐसे स्थिति में हैं कि जब उनमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और वो बहुत सारी चीजों को, नई नई चीजों को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, और उस दरमियान जब उन्हें ये चीजें, ये बातें पता चलती हैं, संबंध वगैरह पता चलते हैं, तो वो उस चीज को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। मैं हिंदी की टीचर हूँ और मैं उन्हें जो प्रोजेक्ट देती हूँ वो भी कुछ अलग तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। उसमें ही मैंने दिया था कि कुछ हॉस्टल के बच्चों को कि अलंकार आप बना के लाना और उसको प्रस्तुत करना एकदम अलग तरीके से, तो उन्होंने प्रस्तुत किया। और फिर उसके बाद जब मैंने उनसे बात की कि कैसे बनाया, क्या किया, तो उनकी बातों में पता चला कि हॉस्टल में ये मैडम आपने बताया था ना कि संबंध बड़े होते हैं, UHV की बात बताई थी तो हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, वो कैसे शांत करते हैं। ये मुझे मतलब उनके जीवन में आया हुआ परिवर्तन मुझे दिखाई दिया और सारे बच्चे सहमत थे कि उससे जो है वो काफी परिवर्तन आया है उनके जीवन में। तो मेरी यही भागीदारी है और यही मेरी शेयरिंग थी अभी तक की जो मेरी यात्रा की। जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रवीण दीदी, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा। पा रही हूँ जी, नमस्ते। बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आपने, मतलब जो भी हमारे लिए भी यूजफुल है। दीदी, एक छोटा सा सवाल जो मेरे जहन में आया है, जी आपने ये तो बता दिया कि सुख स्वभाव है और जी ये दिखता भी है, मैं भी अपने लिए देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जी लेकिन आपने साथ में कबीर जी का दोहा भी ये बताया है कि जब देखने गया खुद को तो मुझसे बुरा न कोई। थोड़ा जी यहाँ मुझे विरोधाभास लग रहा है, जरा आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस पर हाँ प्लीज। हाँ हाँ थैंक हाँ यू। देखिए ये क्या हुआ, जब मैंने इस स्वयं को, ये हुआ ना कि कल्पनाशीलता को अपनी देखते रहना है, जी तो
वो मैं कल्पनाशीलता को जब देख पाई तो मुझे पता चला कि मेरे मन में कहाँ पर कैसे विरोध के भाव उत्पन्न होते हैं लोगों के लिए, और मैं कहाँ कहाँ पर किस तरीके से लोगों से के बारे में कोई गलत धारणा बना लेती हूँ, या वो नहीं भी करते होंगे लेकिन कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लग जाता है कि अपनी बात को, अपने स्वार्थ को कितने अच्छे शब्दों में रख रहे हैं ये, या जी इस तरीके से, मतलब मुझे लगा कि तब मुझे पता चला कि मैं ही ज्यादा लोगों के बारे में, मतलब लोगों के बारे में मैं भी बहुत सारा विरोध रखती हूँ, उत्पन्न हो जाता है, बार बार उत्पन्न हो जाता है, भले ही छोटे टाइम समय के लिए हो तो, लेकिन उत्पन्न हो जाता है। तो इस संदर्भ में मैंने कहा था उस दोहे को। जी जी मतलब सुख स्वभाव ही है, लेकिन वो कभी कभी या मैक्सिमम टाइम प्रभाव के ऊपर जाने लगता है, जीने लगता है। हाँ जी जी हाँ नहीं, जब से मैंने ये जाना है कि सुख स्वभाव है तो रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं प्रभाव में जाने लगता है, तो वो सही है, मेरा जाने जी लगता है प्रभाव में। जी थैंक यू दीदी, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आप सभी के लिए, थैंक बहुत यू भैया। उपयोगी है, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते नमस्ते धन्यवाद सभी को, धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी। बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही परवीन दीदी। अभी आपको भैया। 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, कल आपका 1 वर्ष होने वाला है जैसा आप बता रही थी, तो आपने जी काफी ध्यान दिया है जी वस्तु पर, और सुबह के सत्र को भी आप काफी निष्ठापूर्वक अटेंड करती रही होंगी। आपसे जी कभी जी कोई शेयरिंग या कोई प्रश्न सुनने को नहीं मिला, परंतु ऐसा दिखा कि आपका ध्यान काफी सटीकता से गया है एक बिंदु पर, जी और आपका पहले का भी कुछ संस्कार रहा है जिसमें आपने शुरू में शेयर किया, जिससे आपका एक निर्णय भी बना हुआ था कि समाज के लिए उपयोगी जीवन जीना है। और एक अच्छी बात यह है कि परिवार में अनुकूलता बनी हुई है, आप शिक्षा में हैं, बच्चों के साथ ठीक से काम करने का अवसर बना हुआ है, तो मतलब आपकी गति तो काफी अच्छी है। मैं कहूँगा इसमें इतना ही है कि आप वस्तु को और थोड़ा समझने के लिए समय लगाएं, और सुबह के सत्र को आप नियमित रूप से अटेंड करते रहें तो आगे और अच्छी गति बनेगी। ये जो दिखना शब्द है, ये थोड़ा अपने आप में एक प्रिसाइज वर्ड है, जैसे आपने कहा कि मैं शून्य में अपने आप को देख पाती हूँ, तो वैचारिक स्पष्टता होना एक बात है, परंतु उसको जैसा है वैसा एक शुद्ध दृष्टा के रूप में देख पाना, ये उससे थोड़ी भिन्न बात है। तो एक तो आपका ध्यान गया शून्य की ओर, और जी आपको एक लक्ष्य के रूप में दिखाई दे रहा है कि हाँ इसे भी देखना, ये एक उपयोगी बात है। देखने में थोड़ा समय लग सकता है, तो जो शब्द है उनकी और थोड़ी क्लैरिटी होगी और आगे जी अटेंड करने से, और पहले से भी ऐसा दिखा कि आप अपने भाव के प्रति सजग हैं, तो ये सजगता को और अपने को बढ़ाने की जरूरत है। और अभी बहुत सारा अवसर बना हुआ है, MP स्कूल एजुकेशन में जी शिविर भी लगातार हो रहे हैं, है ना, और अभी फैल कर काम करने के कई नए अवसर निकल रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि आंगनबाड़ियों के साथ भी काम शुरू हो, तो नए बच्चों को तैयार करना, शिक्षकों को तैयार करना, इस तरह का अवसर बना हुआ है, तो आप उसमें और मन जी लगाएं, मुझे तो अच्छी संभावना दिख रही है। आपके लिए ढेर सारी शुभकामना और बधाई। धन्यवाद भैया। भैया मैं इतनी और भी ये काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अगर ये बच्चों के साथ ही मैं अपना अच्छा टाइम या अच्छे से उनको कम्युनिकेट कर पाऊंगी तो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, और मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि चलो कुछ बच्चों का जो जीना है वो, उसके लिए मैं थोड़ा सा माध्यम बन गई। और मैं मॉर्निंग सेशन से तो जुड़ती ही रहूंगी, क्योंकि अब ये तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर किसी दिन अटेंड नहीं कर पाए, जैसे अभी इस दरमियान फरवरी और मार्च में हमारे एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे और वैल्युएशन भी हो रहा था, तो कभी कभी अगर मॉर्निंग सेशन छूट जाता था तो कुछ खालीपन सा लगता था, तो अब मैं उसको तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसको मैं कंटिन्यू ही करूंगी और आगे भी काम करती रहूंगी। भैया अब मुझे एक जी रास्ता मिल बहन गया है, जी मतलब जीवन का एक रंग की एक राह मिल गई है, एक उद्देश्य जो है वो मेरा क्लियर हो गया है। बेचैनी सी थी कि कुछ करना है, कुछ करना है समाज के लिए और बच्चों के लिए, लेकिन अब मुझे एक रास्ता मिल गया है तो अब मैं उस पर चलती ही रहूंगी भैया। बहुत सुंदर, बढ़िया। आप बच्चों के साथ ही करें वो भी अच्छा है, तो बच्चों के साथ जी भी काफी संभावना है। जी आपने पुस्तक पढ़ ली है इसकी जो हिंदी एडिशन बना है? अब बुक है तो भैया,
लेकिन मैं बुक मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी क्योंकि वो उतना अच्छे से समझ में आती नहीं है। तो जो यूट्यूब्स में पड़े हुए हैं यूट्यूब जी से देखती हूँ। तो मतलब आप एक बार देख लें, हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्जन्स हैं, उसको एक बार जी गुजर जाना तो अच्छा रहेगा। और YouTube के लेक्चर से आप सुनते रहें, और जो वीकली मीटिंग्स होती हैं उसको भी आप अटेंड करें, उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पर चर्चा होती है, तो जी उनसे भी और उपयोगिता बढ़ेगी इसकी। जी 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 बढ़िया है। जी धन्यवाद भैया। तो बहुत, आप मध्य प्रदेश से हैं तो सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं। मैं भगवान सिंह हूँ। और दूसरा ये है कि आपने बहुत कम समय में जिस हिसाब से बात को प्रस्तुत किया वो निश्चित ही आपके संस्कारों की एक यात्रा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जुड़े रहिएगा और मध्य प्रदेश के जितने भी वीकली समूह चलते हैं उनसे हम लोग जी जोड़ेंगे और आप अच्छा काम करिए। और एजुकेशन में तो बहुत संभावनाएं बन ही गई हैं, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं प्रवीण जी को। जी जी भैया धन्यवाद भैया। जी बिल्कुल मैं काम करती रहूंगी भैया।